शायद अखिलेश यादव जी का नाम अखिलेश सिंह यादव है, तो ये तो बात बोलने से पहले खुद समझना चाहिए कि भाई अगर आप शुद्ध हैं तो फिर नाम खटाक से बदल दीजिए ना। बीजेपी तो तैयार है नाम को स्वीकार करने को, तो खुद ही नाम बदलने का की योजना बना रखी है, हम लोग भी बना रखे हैं। तो अखिलेश यादव जी अपने नाम के आगे अखिलेश शूद्र लिख लें या फिर जाति लिखना बंद कर दें। क्यों कहते हैं कि अभी आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि मैं यादव हूं और मुझे यादव होने पर गर्व है, तो फिर शूद्र की बात क्यों कर रहे हैं भाई। शूद्र में बहुत सारी जातियां आती हैं, तो अखिलेश यादव जी ये भी बात बोलने से पहले वो अपने नाम के आगे सिंह और यादव हटा दें और अखिलेश यादव जी इसका प्रमाण दें कि शूद्र हैं कि नहीं है। देश आजाद हो गया है, 1952 से चुनाव हो रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख के होनहार हो गए हैं, अब इनको शूद्र ब्राह्मण छत्री वैश्य शूद्र से नहीं मतलब है, इनको रोजी रोजगार नौकरी से मतलब है, इनको अच्छी शिक्षा से मतलब है, इनको सुरक्षा से मतलब है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी पता है नहीं किधर डाइवर्ट कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी भी नहीं समझ पा रहे इस चीज को। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे नेता हैं, उनको बात करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि उत्तर प्रदेश में टेक्निकल शिक्षा लाई जाए, उत्तर प्रदेश में रोजगार पर शिक्षा लाई जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे रोजगार का सृजन हो, उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसियां पेंडिंग में है उस पे उनको बात करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी जूता ही भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए जाल में फंस रहे हैं। मेरी नसीहत है उनको कि अखिलेश यादव जी अभी भी समय है, आप अपने आप को संभालिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी पार्टी मोहन भागवत का बयान आ गया कि ये जाति तो पंडितों ने बना दी। एकदम उनका बयान सही है, हम उसका समर्थन करते हैं। उस समय जैसे कहा जाता है आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है, कहीं ना कहीं ये सत्यता भी है जो मोहन भागवत ने कहा है। मोहन भागवत जी को बहुत पहले समझ में आ जाना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं जन जागरूकता और शिक्षा की ही देन है कि मोहन भागवत जैसे बड़े व्यक्ति को भी इस बात पर कहने पर विवश होना पड़ा। मैं इसका श्रेय अगर देता हूं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को देता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लगातार मेहनत करके जो एक बार में ही जातियों का नाम गिनाते हैं, कहीं ना कहीं ये जातियों को उजागर करना नेताजी का जो एक ट्रेंड है, इससे मोहन भागवत जी भी थोड़ा सा हताश हुए हैं कि वो जातियां जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए हैं, जो सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे वही स्थिति रही है। इसलिए वो कह रहे हैं, मैं इसका समर्थन भी करता हूं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण जो है अपने सिर पे टोकरी रख के उसमें जाति ले लो कब से किस काल से ये बात कहते आया होगा? ऐसा नहीं है, मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण भी अगर एक जाति है तो वो तो अपने लिए जाति रखा ना। राजभर एक जाति है तो बताया ना कि राजभर जाति है। अगर उस समय 1952 से ही इस चीज को समाप्त करने का प्रयास किया गया होता और 1952 से ही उत्तर प्रदेश और देश में रहने वाली जितने भी वर्ग के लोग हैं या इंसान रहता है, अगर उसकी सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक और आर्थिक डेवलपमेंट किया गया होता तो आज जातिवार युद्ध नहीं होता, जाति जाति का संघर्ष नहीं होता, वर्ग संघर्ष नहीं होता। कहीं ना कहीं ये मेरा जो मानना है, मोहन भागवत जी जिस एक व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी कर रहे हैं, मेरा मानना है हम जैसे पढ़े लिखे लोग इस पर बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये जाति पर नहीं बल्कि व्यवस्था ने इस चीज को ऐसा कर दिया कि जो गरीब हो गया उसको जाति से संबोधित करना पड़ गया, जो अमीर हो गया उसको बिजनेसमैन में ला दिया गया, जो पूजा पाठ करने लगा उसको ब्राह्मण का दर्जा दे दिया गया, उसकी जाति ब्राह्मण में कई जातियां हैं, ठाकुर में कई जातियां हैं, हम राजभर हैं हमारे में 7 उपजातियां हैं, लेकिन उसकी तो चर्चा नहीं होती, उनकी सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। इसीलिए